वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th इंग्लिश इज 15th चैप्टर अपोलोजाइज. ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. नॉट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कैन मीन मिस अंडरस्टैंडिंग एंड लीड टू अ लॉट ऑफ पेन. मतलब किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज को सीखने नहीं अगर नहीं सीख रहे हो या नहीं समझ रहे हो आप, तो ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल सकता है, मतलब उलझन में डाल सकता है, जो कि बहुत सारा पेन या दर्द देता है. दे क्लोज इट ऑन मी टू बॉय एंड वन गर्ल साइलेंटली मिनिशिंगली स्लो एंड देयर हैंड्स डीप इनसाइड द पॉकेट ऑफ देयर जीन्स. अपनी दोनों पॉकेट्स मतलब जेब में जीन्स की पैंट की जो जेब होती है उसमें हाथ रखते हुए वो क्या कर रहे थे, स्लोली स्लोली बोल रहे थे. टू बॉयज एंड वन गर्ल साइलेंटली. द गर्ल स्पोक फर्स्ट. सबसे पहले गर्ल मतलब उस लड़की ने बोला, आई इट वॉज हिम मतलब कि ये वो लड़का था. शी पॉइंटेड एंड एक्सिंग फिंगर एट द बॉय. एक लड़के पर उंगली उठाते हुए बोली कि ये वो लड़का था. द किक मी पर्पसली. उन्होंने लात मारी थी. आई एम श्योर ही मेड मी स्पिल माई लच ऑल ओवर द प्लेस. उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूँ इन्होंने मेरा जो लंच था वो ऑल ओवर द प्लेस मतलब चारों तरफ फैल गया था. एंड अवे लिविंग मी टू फेस द म्यूजिक. मतलब ये सब होने के बाद भी वो छोड़कर चला गया था. द बॉय स्टार्ड एट हर. स्टार मतलब होता है घूरना या देखना. उस बॉय ने घूरता हुआ चेहरा उस लड़की की तरफ घूर रहा था. हिज फेस ए मास्क ऑफ फियर एंड कंसंट्रेशन. एक मास्क था मतलब एक मुखौटा था डर का और केंद्रित होने का कंसंट्रेशन का. ही हैडंट लर्न इन द डच इन 6 months इन आम्स्टरडाम. मतलब 6 महीने हो गए थे लेकिन वो डच नहीं सीख पा रहा था आम्स्टरडाम में रहते हुए. डिस्पाइट द स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन द आफ्टरनून. मतलब दोपहर को जो बाहर के बच्चे दूसरी लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं उनको ये ऑप्शन मिलता है, वो दोपहर को दूसरी भाषा सीख सकते हैं. हिज फिट्स क्लेंच्ड एंड क्लेंच्ड नर्वसली डिप्रेटली सर्च फॉर द वर्ड्स ऑल दैट केम हिज कन्फ्यूज्ड जंबल इन ईरानियन फ्रेजेस. लेकिन उस लड़के ने सिर्फ ईरानियन फ्रेजेस या ईरानियन शब्द को ही बात करने चाहिए. ही बैक्ड अवे लेकिन वो पीछे पीछे गया मतलब उसके पैर पीछे कर लिए उसने, मतलब पीछे हट गया वो. हिज आइज डार्टेड अराउंड द एम्प्टी स्कूल यार्ड. और वो जो स्कूल का यार्ड था वहाँ पर जो स्कूल का मैदान जो था वहाँ पर उसकी आँखें घूर रही थी. नोबडी वाज इन द नॉट इवन द हाउसकीपर. वहाँ पर हाउसकीपर भी नहीं था, कोई भी नहीं था. लुक हियर यू ब्लीड द लीडर्स वर्ड्स हिट हिम लाइक अ लैश टीजिंग द गर्ल्स कम ऑन अपोलोजाइज. मतलब उन्होंने कहा कि लुक हियर मतलब इधर देखो. लीडर्स वर्ड हिट मतलब उन्होंने कहा इधर देखो आप लड़के को छेड़ते हो. कम ऑन एंड अपोलोजाइज मतलब आगे आओ और अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगो. अपोलोजाइज उन्होंने कहा. द बॉय ड्रू बैक. वो लड़का वापस पीछे हट गया. प्राउड एंड द अदर बॉयज स्नीर्ड. मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हें किस बात का घमंड है, आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते, अपोलोजाइज क्यों नहीं. टू प्राइड टू अपोलोजाइज प्राउड ऑफ व्हाट यू पोटैटो. उन्होंने उनको चिढ़ाते हुए कहा पोटैटो आपको माफ़ी मांगने में इतना घमंड क्यों है. ही किक्ड द ग्रेवल सेंडिंग ए हेल ऑफ शार्प पेबल्स फ्लाइंग द बॉयज फ्लाइंग एट द बॉय. उन्होंने क्या कहा कि आप माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज मांगो. द बॉय स्टार्ट एट द चिल्ड्रन बिविल्डर्ड. नो ही मर्डर्ड. नो मर्मर्ड. नो उन्होंने क्या कहा कि नो नो बस वो नो नो करते रहे. अपोलोजाइज इंस्टेड द लीडर जैबलिंग हिज फिंगर एट द बॉयज चिन. उन्होंने अपनी बॉयज की जो छोटी थी उस पर उंगली रखते हुए बोला कि आप भी अपोलोजाइज मांगो. कम ऑन अपोलोजाइज मतलब कम ऑन मतलब क्या होता है, आगे आओ और अपोलोजाइज मांगो. द बॉय लिप्स क्विकर्ड. उसके होंठ थरथराने लगे. शील्डिंग हिज फेस विद द हैंड. और वो अपने हाथों से फेस को ढक रहा था. ही रिट्रीटेड फर्दर. रिट्रीटेड फर्दर अपोलोजाइज द गर्ल इन एकोइड इन द क्रूअल स्मर्क. एक निर्दयी आवाज़ से उस गर्ल ने इसको वापस प्रतिध्वनि मतलब क्या बोलते हैं, एको मतलब होता है प्रतिध्वनि, वापस से वही बात कही अपोलोजाइज करो. इट अगेंस्ट योर प्राइड. क्या ये आपके कमांड के खिलाफ है. द बॉय डिडंट आंसर. बॉय ने कोई आंसर नहीं दिया. स्पीक अप द लीडर स्टक इन द बॉय शार्पली एट द शोस अपोलोजाइज साइलेंस अपोलोजाइज. उन्होंने कहा अपोलोजाइज अपोलोजाइज. ओके नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. द बॉय डिडंट मूव. लेकिन वो बॉय बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हिला. द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज. इसके बाद नेक्स्ट जो था वो उसकी नाक पर पंच पड़ा. इट स्टंग लाइक ए थाउजेंड नीडल्स. मतलब
नाक पर जैसे ही उन्होंने मारा दूसरे बॉयज ने, तो ऐसा लगा जैसे कि कई थाउजेंड मतलब हजारों नीडल्स मतलब सुइयां उनकी नाक पर घुस गई। ही थॉट ही वुड क्राई, लोगों को लगा कि ये रोएगा लेकिन वो फिर भी नहीं रोया। ही वाइप्ड हिज फेस, उन्होंने अपने फेस को वाइप किया, मतलब वाइप मतलब क्या होता है, धोना या साफ करना। विद द बैक ऑफ हिज स्लीव, उन्होंने स्लीव मतलब जो कपड़े होते हैं उनकी स्लीव जो होती है बाहें, उनसे उसको क्लीन किया। एंगर बर्न्ड इन हिम हॉट एंड एक्सप्लोसिव दे फ्राइटन हिम, वो आपस में लड़ने लगे। कम ऑन वन ऑफ देम सेड ही इज आस्किंग फॉर इट, दे फेल ऑन हिम पेल मेल पंचिंग हिम एंड नॉट फिस्ट ब्लो रेन डाउन ऑन द हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसके बाद उनको एक के बाद एक घुसे देने लगे और पंच करने लगे और लेफ्ट राइट उनको बहुत पीटा। होल्ड इट स्टॉप इट, ए वॉइस क्रैक्ड लाइक व्हिप, अचानक से एक आवाज आई कि होल्ड इट स्टॉप इट मतलब रुको रुको। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ग्रैब्ड मतलब मजबूत हाथ उस बच्चे को कॉलर्स को पकड़े और पुल्ड देम अवे, उन दोनों को दूर किया जो वहां पर लड़ रहे थे। ही स्टूड देयर शिफ्टिंग अनकंफर्टेबली अवॉइडिंग द आईज ऑफ द टॉल बॉय इन द येलो स्वीट शर्ट। इसके बाद एक ज्यादा हाइट वाला लड़का आया, उन्होंने कहा कि रुक जाओ और दोनों जो लड़ रहे थे उनको बचाने के लिए वो लड़का आया। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर गोइंग ऑन हेयर, कि यहाँ क्या चल रहा है। थंडर्ड थंडर्ड जेन वन डे मीर, जो कि स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था वो आया। वाई शुड पिक अप ऑन हिम दिस इज नॉट वाई टू शेटल एन आर्ग्यूमेंट, मतलब एक लड़ाई को ख़त्म करने का ये कोई रास्ता नहीं होता। ही लुक शार्पली एट द लीडर वाई आर थ्रेजिंग हिम ही स्टर्ड द हैप्पी बॉय ही डिडंट वांट टू अपोलोसाइज, उन्होंने कहा कि ये माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। यू सी क्राइड द गर्ल, उस गर्ल ने चिल्लाते हुए बोला कि आपने देखा, ही हिट मी हार्ड द लीस्ट ही कैन डू टू अपोलोसाइज बट ही विल नॉट, वो माफ़ी मांग सकते थे लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, ये लड़की ने कहा। द टॉल लेट टर्न टू द इरानियन बॉय लुकिंग एट हिम विद डार्क सीरियस आइज, कम ऑन बॉय ही कैनली रीच अप हैंड एंड अपोलोसाइज, उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग लो। इरानियन बॉय की तरफ देखते हुए बोला, उसको इरानियन बॉय को बोला कि आप माफ़ी मांग लो। द डिडंट बॉय मूव, जो बॉय था वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ। ही स्टूड देयर थिन एंड टेंस हिज ब्रो नाइटेड हिज लिप्स इक्वर्ड, उसके होंठ थरथराने लगे। कम ऑन आर्ग्यू जन वन डे मीर बी ए स्पॉट अपोलोजाइज विथ हिज वाइल्ड कैट्स, मतलब इन जंगली बिल्लियों की से आप माफ़ी मांग लो। द डार्क आइज ऑफ द इरानियन बॉय फिल्ड विद ए माइजरी ही स्वेलोड हार्ड, उसकी आंखें माइजरी से भर गई। Come on boy, why you don't a dry soap broke at the boy's lip? No, why not? For God's sake, why not? उन्होंने बस no बोला Iranian boy ने और कुछ भी नहीं बोला। Because the boy's voice rose. उन्होंने कहा भगवान के लिए आप माफ़ी मांग लो, पर why not? Because I don't know. Apologize. लेकिन वो जो Iranian लड़का था वो ये नहीं जानता था कि apologize मतलब क्या होता है। I don't understand apologize. उन्होंने कहा मैं apologize का मतलब नहीं जानता हूँ। I speak little Dutch, very little Dutch. Please forgive. उन्होंने कहा कि मुझे डच बिल्कुल जो डच भाषा है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मैं तो बस अपनी भाषा में फॉरगिव प्लीज़ फॉरगिव मतलब कृपया मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर मतलब ये है कि दूसरी भाषा उनको नहीं आती थी तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे, उन्होंने अपनी ही भाषा में लास्ट में माफ़ी मांगी प्लीज़ फॉरगिव। फॉरगिव और अपलोज दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर डिड द बॉय लिव, which country did he belong, where did the children think when the boy did not apologize, what did the boy react when the children became aggressive, what the boy not apologized to the girl। Thank you for watching this video, please like comment share subscribe, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।